पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले भारत में लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए और ना ही कोरोना से किसी की मौत हुई। अहम बात है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब 0% है। दिल्ली में अब कोरोना के सिर्फ 10 एक्टिव केस बचे हैं। दिल्ली में कोरोना का जो बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना से अब तक 19,80,781 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से अभी तक कुल 26,522 लोगों की जान जा चुकी है। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के 150 डोज दी गई, जिसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज ली, 32 लोगों ने दूसरी डोज ली, जबकि 103 लोगों को बूस्टर डोज मिली। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 3,73,70,636 डोज दी जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 931 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया। दिल्ली में कोरोना की 3 लहर आ चुकी है। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी डेल्टा की लहर सबसे खतरनाक थी, जो कि वर्ष 2021 में अप्रैल मई माह में आई थी। देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 150 कोविड टीके लगाए गए, जिनमें से 15 व्यक्तियों को पहली खुराक मिली, 32 को दूसरी खुराक मिली और 103 व्यक्तियों को बूस्टर डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 931 लोगों के कोविड सैंपल कलेक्ट किए गए। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में टेस्टिंग का आंकड़ा 4,06,50,119 पर पहुंच गया। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवैक्स को हेटेरोलोगस बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दी गई। एक एक्सपर्ट समिति से मिली मंजूरी के बाद अब बूस्टर डोज के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद इसे बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।